हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीए सेकंड ईयर एग्जामिनेशन पेपर 2022 फाउंडेशन कोर्स का पेपर थर्ड, जिसका नाम है एनवायरमेंटल स्टडीज। ये पेपर हुआ है आपका 25 मार्क्स का यहाँ पर, और इसमें 3 सेक्शन है। चलिए सबसे पहले सेक्शन ए का डिस्कस करते हैं। तो मैं हूँ सोनम जैन, और हम स्टार्ट करते हैं किस टाइप का जो पेपर है वो आया था। 5 इंटू हाफ यानी कि 2.5 मार्क्स का पूरा का पूरा ये सेक्शन है, और लगभग 20 वर्ड्स के अंदर आपको इसके आंसर देने होंगे। सबसे पहला पर्यावरण की परिभाषा, O2 वायु प्रदूषकों के नाम, एक आदर्श स्थल का नाम, बीटा जैव विविधता परिभाषा, और बाढ़ के दो कारण, है ना। अब आ जाता है आपका सेक्शन बी जो होता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 5 इंटू 1.5 मार्क्स। साथ ही साथ में हम देखेंगे यहाँ पे 150 वर्ड्स में इनको लिखना है। निम्न में से किसी एक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, खाद्य जाल, पर्यावरण हेतु आपका जन जागरण। निम्न में से एक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो, आणविक प्रदूषण, जनसंख्या में राष्ट्रों के मध्य अंतर। निम्न में से किसी एक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, सोलर ऊर्जा, मध्य प्रदेश की 5 नदियों के नाम। यूनिट नंबर 4 से पूछा गया है निम्न में से किसी एक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो, जातीय जैव विविधता, पारिस्थितिक जैव विविधता। निम्न में से किसी एक पर टिप्पणी लिखो, भूकंप एवं भूस्खलन, कुछ भी लिख सकते हैं आपको जो आता है ना, लिखा ही होगा पेपर वालों ने, पर अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आप भी जरूर लिखें। चलिए सेक्शन सी की बात करते हैं। तो 5 इंटू 3 यानी 15 मार्क्स का सेक्शन है। साथ ही साथ में अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो जल्दी से कर ले, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। और जब आपका एग्जाम हो जाए तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा आपका पेपर कैसा गया, और मुझे पेपर व्हाट्सअप करना भी ना भूले। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम सब पर फॉलो करना चाहें तो भी कर सकते हैं। और जो ये पेपर हुआ है आपका, मैं आपको बता देती हूँ, इसमें 90 क्वेश्चन पेपर जो क्वेश्चन है वो हमारे सुपर मॉडल क्वेश्चन पेपर में से ही पूछे गए हैं। आप चाहे तो खुद से कंपेयर करके देख लीजिए। जैसे जलीय इको तंत्र की संरचना समझाइए, पर्यावरण के महत्व की जानकारी दीजिए, पर्यावरण के मानव स्वास्थ्य पर प्रभावों की विवेचना कीजिए, स्वच्छ व कचरे के निष्पादन पर टिप्पणी लिखिए, स्वच्छता, हाँ, वन संसाधनों की जानकारी दीजिए, आर्द्र स्थल की परिभाषा, महत्व संरक्षण की जानकारी दीजिए, स्थानीय स्तर पर जैव विविधता की जानकारी दीजिए, जैव विविधता के उपभोग्य व उत्पाद उपयोग की जानकारी दीजिए, बाढ़ व चक्रवात के आपदा प्रबंधन की जानकारी दीजिए, स्वास्थ्य रक्षा में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका दर्शाइए। तो वो देखा आपने, यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो हमारे सुपर मॉडल क्वेश्चन पेपर में से बैठे, यानी कि आपका 70 से 80% क्वेश्चन पेपर आया है। अगर आपने अभी आपका एग्जाम नहीं हुआ है और आपका एग्जाम होने वाला है तो पेपर करके जाना बिल्कुल भी ना भूलें। और एक बार मैं बोल रही हूँ, जब आपका पेपर हो जाए तो प्लीज फीडबैक जरूर दें, मुझे जरूर बताएं कितने परसेंट क्वेश्चन आए थे जो आप पढ़ के गए सुपर मॉडल क्वेश्चन पेपर से, आपकी कितनी अच्छी तैयारी हुई है, कैसा हुआ है, और किसी सब्जेक्ट का चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।